बच्चों हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 33 तक पढ़ लिया है, अब हम लोग प्रश्न संग्रह 34 करेंगे। प्रश्न संग्रह 34 के लिए पेन निकाल रहा हूँ। प्रश्न संग्रह 34, हम लोग प्रश्न संग्रह 34 करेंगे। प्रश्न संग्रह 34, प्रश्न संग्रह 34, प्रश्न संग्रह 34, मैं ये प्रश्न संग्रह खोल रहा हूँ। प्रश्न संग्रह 34 आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न संग्रह 34 में क्या है, पहले व्यंजक में से दूसरा व्यंजक घटाओ, ठीक है। पहला व्यंजक ये है, दूसरा व्यंजक ये है, हमको घटाना है। पहला प्रश्न, पहले का पहला, पहला व्यंजक है 4xy माइनस 9z कोष्टक बंद कॉमा 3xy माइनस 16z। बच्चों पहले से दूसरा घटाना है तो पहले व्यंजक को हम लोग लिख लेंगे 4xy माइनस 9z, एक्स वाई के नीचे एक्स वाई आ जाएगा। प्रश्न संग्रह 34, प्रश्न संग्रह 34, एक्स वाई के नीचे एक्स वाई आ जाएगा 3xy 16z, यहाँ माइनस घटाना है बच्चों, इसका मतलब हम लोग दोनों के चिन्ह को बदल देंगे। यहाँ धन है तो यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण है तो यहाँ धन, चार में से तीन असमान चिन्ह हो गया। अब यहाँ प्लस हो गया, यहाँ ऋण हो गया, चार में से तीन गए, एक एक को लिखते नहीं है। एक्स वाई जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या धन है, बड़ी संख्या चार है उसका चिन्ह धन है, तो धन नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। अब है 16 में से 9 गए, कितना हो गया 7z, बड़ी संख्या का चिन्ह धन है उसको लगा देंगे, उत्तर हो जाएगा एक्स वाई प्लस 7z, एक्स वाई प्लस 7z। बच्चों दूसरा करेंगे, अब दूसरा सवाल है 5x प्लस 4y प्लस 7z कॉमा एक्स प्लस 2y प्लस 3z। तो पहले जो ऊपर वाला है उसको लिख लेंगे 5x प्लस 4y प्लस 7z, x के नीचे x, y के नीचे y, z के नीचे z, यहाँ प्लस 2y, x 2y प्लस 3z। घटाना है, यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा, यहाँ धन है तो ऋण, यहाँ धन है तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, पाँच में से x चला जाएगा, पाँच में से x चला जाएगा तो इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पाँच में से एक गया तो 4x, चार में से दो गया तो 2y, सात में से तीन गया तो 4z। ये घटाना आपका हो गया, घटाना का मतलब बैजिक पदों में दूसरे पद का हम लोग चिन्ह बदल देते हैं। तीसरा सवाल है 14x² प्लस 8xy प्लस 3y² ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से आपको घटाना है 26x²
माइनस 8xy माइनस 17y स्क्वायर। तो पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ 14x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3y स्क्वायर, x के नीचे x, 26x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 17y स्क्वायर, चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस प्लस, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो ऋण लग जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो ऋण एक्स स्क्वायर, दोनों समान चिन्ह हो गया तो जुड़ जाएंगे 8 8 16 एक्स वाई, दोनों समान चिन्ह हैं तो जुड़ जाएंगे 20 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो पहले का उत्तर हो जाएगा एक्स वाई प्लस 7 जेड, अच्छी तरह से देख लीजिए। दूसरे का उत्तर हो जाएगा 4x प्लस 2y प्लस 4z। तीसरे का उत्तर हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 20y स्क्वायर। उसके बाद बच्चों चौथा सवाल, चौथा सवाल आपका दिख रहा है, आप लोग देख लीजिए ये वाला है। ठीक है, चौथा सवाल, तो चौथा सवाल है 6x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 16y स्क्वायर। ठीक, इसमें से हमको घटाना है 16x स्क्वायर माइनस 17xy। ठीक है, तो पहले ऊपर का व्यंजक लिख लेंगे 7xy प्लस 16y स्क्वायर, x के नीचे x, 16x स्क्वायर माइनस 17xy, बाकी कुछ नहीं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, 6 में से 6 गया 0, 10x स्क्वायर, बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ लग जाएगा। क्यों मैंने घटा दिया 16 में से 6, क्योंकि यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, दो असमान चिन्ह आपस में घट जाते हैं और दो समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं, 24xy, यहाँ कुछ नहीं है तो सीधे ये वापस आ जाएगा। तो जो चौथा सवाल है उसका उत्तर है ऋण 10x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। अब है पांचवा सवाल बच्चों, 4x प्लस 16z कॉमा 19y माइनस 14z प्लस 16x, तो 4x प्लस 16z, फिर 4x के नीचे 16x, फिर 16z के नीचे ऋण 14z प्लस 19y, चिन्ह बदल जाएगा बच्चों, यहाँ प्लस आ जाएगा यहाँ माइनस, 16 में से 4 गए 12x, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है वो लग जाएगा, 16 14 30z माइनस 19y। बच्चों पांचवा सवाल, माइनस 12x प्लस 30z प्लस 19 माइनस 19y, इस तरह से ये पूरा सवाल हो गया। बच्चों एक बात याद रखो जो आप लोगों को ज़रूरी है समझना, पहले इसको लिखेंगे फिर एक्स वाई के नीचे एक्स वाई, जेड के नीचे जेड, 4 में से 3 गया एक्स वाई, बड़ी संख्या का धन है, धन नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, आगे सभी संख्याओं के पहले धन होता है, असमान चिन्ह हो गया चिन्ह बदलने पे, 16 में से 9 गया 7z, फिर है 5xy 4y प्लस 7z, एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई, जेड के नीचे जेड, 4x, इधर 2y और इधर 7 में से 3 गया 4z। ठीक है, यहाँ पे 14x स्क्वायर 8xy 3y स्क्वायर, 26x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 17y। ठीक है, एक्स के नीचे एक्स, वाई, एक्स वाई के नीचे एक्स वाई, वाई के नीचे वाई,
चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। 8 8 16 xy, 17 3 20 y² 6 में से 4 गए 2, 2 में से 3 12 x, 12 x². इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, ये दोनों को घटा दिया, ये दोनों को जोड़ दिया, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इसको सेम वैसे ही उतार दिया, दोनों समान चिन्ह जोड़ दिया, दोनों असमान चिन्ह घट गया। तो ये इस तरह से बच्चों आज का यह इस पीरियड का प्रश्न संग्रह 34 हमने समाप्त किया। कल इसे पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी अच्छी तरह से ध्यान रखिए, ठीक, ओके। अब हम नेक्स्ट पीरियड में नए रिकॉर्डिंग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।